नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि है, जिसको भाजपा पिछले साल से हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाती है। अद्वितीय हिंदू गौरव दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता की ओर से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर से शून्य की यात्रा करार दिया। इस दौरान उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधते हुए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पूर्ववर्ती सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोग माफियाओं के मरने पर फतिहा पढ़ने जा सकते हैं, पर जब बड़े जनवादी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन हुआ था तो एक शब्द तक उनके निधन पर नहीं कहा। श्रद्धांजलि तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि उनका पीडीए सिर्फ दिखावा है, ये बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वहीं सीएम ने इस दौरान हिंदुओं को एक होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति या मजहब नहीं है। जब हम लोग बाबू जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी, हम बाबू जी की इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, यह भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना, कतई नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया को सदैव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सदैव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सदैव बाबू जी को राज्यपाल भी थे, दो राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया है। भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है।
और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई है, कन्नौज में जो घटना घटित हुई है, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, ये यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या इस सर्विस में, जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी के इसको डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के इसको बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हरेक पद पद पर रोक करके उनकी कठोरता के साथ रोकने के सारे इसको बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान पर उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वो आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और प्रदेश की जनता जनार्दन का बार बार नहीं होने देगा, यह संकल्प हमें सरदेव बाबू जी के इस तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। क्या जीवन जिन मूल्यों के, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबू जी का जीवन समर्पित था और मूल्य और आदर्शों के लिए हम कार्य करें, बाबू जी की इस विरासत को उनके सुपुत्र पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजवैया, उनके सुपुत्र श्री संदीप सिंह और उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि बाबू जी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी और उनकी विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, कार्य कर रही है। हमें तनिक भी उन मूल्य और आदर्शों से विचलित है बगैर निरंतर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। आज तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबू जी को मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।